तुम कहते थे ना कि हमेशा खुश रहा करो, तो आप भी सुन लो, हमेशा मेरे साथ रहा करो। मैं लव हूँ, मेरी बात तुम हो, और मैं जब हूँ जब मेरे साथ तुम हो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन गुरु पर। दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की जो क्लास है वो आप सब लोगों के दिल को छू के निकलेगी। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस के तरीके से उन सब चीज़ों पर फोकस करने वाला हूँ जो आखिरी के दो सेशन में हमने सीखा था। अगर दूसरे सेशन के लास्ट की बात करें तो मैंने आपको एक सवाल दिया था कि आप इसको करके दिखाइएगा, तो उसको मैं अभी क्लास जैसे ही लास्ट में करने का मेरा मन होगा तो उस समय मैं उस सवाल को फिर यहाँ पर दोबारा आपके सामने अभी लाइव सेशन में ही लूँगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा जो सफलता का रास्ता है वो बहुत मुश्किलों से होकर के गुजरता है। सब कुछ आसान होगा ऐसा नहीं है, सब कुछ कठिन होगा, कठिन को आसान बनाना है। अगर ऐसा ध्येय लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, और अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे जो आपके ख्वाबों में हैं। समझ गए? चलिए ठीक है, खूबसूरत। अब मैं आपको थोड़ा सा वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने आपको एलसीएम में अभी तक बताई हैं। मैंने आपको तीन मुख्य बातें बताई हैं। मैंने आपसे ये कहा है कि यदि ये सवाल आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो एक्स, वाई तथा जेड से पूरी तरीके से विभाजित हो, यानी कि पूरी तरीके से डिविजिबल हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई एंड जेड। तो इसका सीधा आंसर क्या होता है? एलसीएम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, यानी कि एक्स का, वाई का और जेड का लेस है। ऐसी अगर आपसे पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स, वाई तथा जेड से भाग देने पर आर शेषफल आता है, या कोई भी वो उसमें बोलेगा, यहां पे कोई नंबर होंगे, ये शेषफल की जगह कोई नंबर होगा। अगर ऐसा करके सवाल आता है तो मैंने आंसर क्या बताया था? एलसीएम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड प्लस आर जो दे रखा है उसको, यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर बाय एक्स, वाई एंड जेड, देन वी विल गेट द रिमाइंडर आर। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? एलसीएम ऑफ एक्स, वाई, जेड प्लस आर। ऐसे ही अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर क्रमशः, यहां पे एक वर्ड आप जोड़ लीजिए, क्रमशः a कॉमा b तथा c से शेषफल आता हो, क्रमशः a कॉमा b तथा c से शेषफल आता हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है? LCM ऑफ x कॉमा y कॉमा z माइनस k, जहां पे k क्या है? x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c, यानी कि इस तरीके से घटना आगे बढ़ेगी। बोलो क्लियर हो रहा है आपको? मैंने आपको इन तीनों चीजों पर सवाल भी बताए हैं। अब इन्हीं पर मैं कुछ प्रैक्टिस के रूप में सवाल दूंगा, फिर मैं आगे की चीजों को बढ़ाऊंगा, और उसमें कैसे आप छोटे रूप में सवाल को कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब उन चीजों को जानने के लिए पहले एक दो छोटी छोटी बातें और, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब क्या है कि इन सब चीजों के साथ में आप एक दो छोटी छोटी बातें और ध्यान में रख लीजिए। वो छोटी बातें हैं डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के, यानी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम भी पता होना चाहिए, तभी आप एलसीएम के अंदर स्ट्रगल कर सकते हैं। वो क्या है छोटी छोटी बातें? तो वो है, सबसे पहले तो आपको 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। देखो, जब मैं आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बिल्कुल बारीकियां भी बताऊंगा कि आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे, जो चीज़ें आपने अभी तक कहीं सुनी ही नहीं है कि होता क्या है, कैसे होता है। ये जो मैंने अभी बोर्ड पर तीनों चीज़ें लिख रखी थी, इनके भी रीजंस हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो आप लोग निश्चित रूप से बोर हो जाएंगे, तो इस कारण, और आपके काम की भी नहीं है, दिल्ली पुलिस के पेपर में वो आने का भी नहीं है, और भी किसी एग्जाम में वो चीज़ पूछे जाने वाली नहीं है। मैं डिस्कस करूंगा आपसे 100% करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, तो वो कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल हैं? पहला तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि प्रत्येक वो संख्या 3 से कटेगी जिसके अंकों का योग भी 3 से कटता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक संख्या 12 है, 12 के अंकों का योग 2 और 1 3 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर मान के चलो 14 होती, 14 के अंकों का योग 4 और 1 5 आ रहा है, 5 3 से नहीं कटता, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर हो रहा है आपको? बहुत खूबसूरत, क्लियर होना चाहिए आपको। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, क्या नाम बोलना? बोलना तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, यहीं पे रिप्लाई कर देंगे हम जो आपको। चलिए, तो 2 और 1 3 और फिर ऐसे, ये जो ऐसे नहीं कटेगा। ऐसे अगर मैं 9 की आपसे बात कर लेता हूं तो क्या कह रहे हैं ये? इनको ना थप्पड़ लगाओ पकड़ पकड़ के, ठीक है, जब ये सुधरने में आएंगे। तो 9 की मैं अगर बात करता हूं तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी 3 के डिविजिबिलिटी रूल के सेम जैसा ही है।
अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने कहा 27, तो 2 और 7 अंकों का योग कितना आ गया 9। तो आप क्योंकि जानते हैं कि इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो ये संख्या 27 भी 9 से कट जाएगी। जैसे कि अगर मान के चलो 35 होता तो 35 में अंकों का योग कितना है तो 8 है। अब 8 9 से नहीं कटता तो इस कारण से 35 भी जो है वो 9 से नहीं कटता होगा। बोलो क्लियर है। अब इसमें एक छोटी सी बात मैंने अंकों का योग निकालने में ये और बताई थी कि 9 अगर कहीं अंकों का योग करते समय उस संख्या में आ जाए तो उसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जोड़ने के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 23 तो 23 के अंकों का योग कितना है 5 है। मान के चलो यहाँ पे 9 लिखा भी होता तो भी कितना आता 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 में फिर कितना हो जाता 1 और 4, उन दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाता 5। क्लियर हो रहा है, हमको एक ही संख्या में लेके जाना है। अगर मान के चलो अंकों का योग 2 अंकों में आता है तो उनको फिर से एक बार जोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मान के चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 13 ले लेता हूँ, तो 13 का कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसमें आप 9 लगा दीजिए, कितने भी 9 लगा दीजिए, चलिए तो 9 दिया 27 और 1 28 और 3 कितना 31, 31 में भी 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। बोलो क्लियर हो रहा है। तो इसलिए आप जहाँ भी 9 आ जाए उसको 9 को अलग कर दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर संख्याओं को जोड़ के भी 9 बनता है तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं, जैसे 5 4 3 1 6 7 2, इसके अंकों का योग मान चलो आपको बताना है तो आप इसमें जहाँ भी 9 बन रहा हटाओ, जैसे 5 4 9 हटा दो 9 को, 7 2 9 हटा दीजिए, यहाँ भी 6 और 3 9, तो कौन बच गया 1 बच गया। अगर आप इनको जोड़ते भी ना तो 7 2 9 6 15 1 16 3 19 और 4 23 और 5 28 में कितना हो जाता 8 और 2 10 और 10 में 1 और 0 1 ही आता फाइनली उसका। बोलो क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा हो जब भी लाइव सेशन खत्म हो आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अगली बात की ओर मैं बढ़ता हूँ। वो अगली बात भी डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के ये, एक तो 3 का इंपॉर्टेंट है, एक 9 का और एक एलसीएम एचसीएफ को पढ़ते समय 5 का भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 का तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 5 से वही संख्या कटती है जिनका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो। जैसे कि 25 30 45 54 31 610 1055 2034। आप देखो इसका इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो ये 5 से कटेगी। इसका कितना है 0 तो ये कटेगी, इसका 5 है कटेगी, इसका 4 है ये नहीं कटेगी, इसका 1 है ये भी नहीं कटेगी, इसका 0 है ये कट जाएगी, इसका 5 है ये कट जाएगी, इसका 4 है ये नहीं कटेगी। बोलो क्लियर हो रहा है, ये 5 का है। तो जब भी हम एलसीएम को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमको 3 का 9 का 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर हो रहा है, सबका क्लियर हो रहा है, बहुत खूबसूरत। आइए मैं अब सवालों की शुरुआत करता हूं और मैं पहला सवाल लेता हूं, आप सब लोग कमेंट में इसका उत्तर हमें बताइएगा। सवाल लेते हैं भाई, सवाल बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल लेंगे, बहुत आपके दिल को छुजाने वाले सवाल हम लेने वाले हैं। ऐसे ऐसे सवाल लेंगे ना, ऐसे ऐसे सवाल लेंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जिस चीज़ की खोज कर रहे थे ना इतने दिनों से, वो उस कॉलेज के बाहर नहीं है। मतलब कॉलेज के बाहर से मतलब गलियों में हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत शातिर आप समझ सब कुछ जाते हैं, जो असली चीज़ है ना, जो असली जिसको आप खोजना चाहते हैं, जिसके कारण से वो चीज़ आपको मिलेगी, वो तो यहाँ है कॉम्पिटिशन ग्रुप में। ठीक है, चलिए मैं सवाल लेता हूँ, पहला सवाल इसमें। तो पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं, सवाल में आपसे ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 से 9 से और 15 से पूरी तरह कट जाती हो, यानी कि 6 से 9 से और 15 से पूरी तरह विभाजित होती हो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो मैंने ये पहला टाइप है, मैंने बताया था कि अगर 3 संख्याओं से ऐसे करके पूछता है तो इसमें मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, फिर मैंने एलसीएम निकालने के तरीके भी बताए थे। लेकिन मैं अब इन सब बातों को छोड़ करके आपको एक नई बात बताता हूं। मैंने भी आपको 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, उस डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार 3 9 और 5 ऐसी संख्याएं हैं कि 3 में 9 में तो सम ऑफ डिजिट को देखते हैं और 5 में उस संख्या के इकाई के अंक को देखते हैं। अब मैं आपसे एक बात यह बताता हूं कि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, आपको जब वो सवाल देगा उस सवाल के अंदर या तो 3 छुपा होगा या 9 छुपा होगा या 5 छुपा होगा या 3 ही छुपे होंगे या कोई दोनों छुपे होंगे, ये बिल्कुल पक्का, ये गारंटी आप लिख के ले लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ इस सवाल में देखो, यहाँ पे 3 छिपा हुआ है, यहाँ पे 9 है सीधा, यहाँ पे 5 छिपा हुआ है, 5 3 15, मतलब इसके गुणनखंडों में कहीं 12 18 27 लिखा हुआ है, तो 12 में 3 छिपा हुआ है, 18 में 9 छिपा हुआ है ना, ये आपको मिलेंगे उसके फैक्टर्स में। तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे, सवाल के ऑप्शंस को देखेंगे, तो इसके पहला ऑप्शन कितना है 90, दूसरा है 95, पहला इसका ऑप्शन कितना है 90, दूसरा है 95 और तीसरा ऑप्शन कितना है इसका, तीसरा है 459 459
और कितना है 36 यानी 36। तो अब आप क्या करिए कि आप इसका एलसीएम निकालने के बजाय यह देखिए कि संख्या अगर इनसे कटती है तो इसका मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल एप्लीकेबल होगा इन चारों में, यह संख्या 9 से कटती होंगी, 3 का भी एप्लीकेबल होगा यहां से, 5 का यहां से एप्लीकेबल होगा, यानी यह संख्या जो है 5 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन तो यहीं एलिमिनेट हो गया, इसका इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो क्या ये संख्या कभी 5 से कट सकती है? नहीं कट सकती, तो ये तो यहीं से ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे देखो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, 0 होता या 5 होता तब ये वाली बात को फॉलो कर रहा होता। ऐसे अगर यहां की बात करें तो 5 वाला तो फॉलो हो रहा है, लेकिन 9 और 5 14, 14 में 4 और 1 5, भाई 9 और 5 14, 14 में 5 4 और 1 5, इकाई का अंक कितना आया 5। क्या 5 3 से कट सकता है, क्या 9 से कट सकता, नहीं कर सकता, तो एक ऑप्शन ये बचा, यही हमारा सही होगा। बोलो क्लियर है? पढ़ के बता सकते हो आप लोग, पढ़ के बता सकते हो? अगर 3 का 9 का 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तो आप सवाल को आसानी से बता सकते हो। अगले सवाल की तरफ मुझे चलना चाहिए, बताओ कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, हाजमी में परेशानी है तो बताइए। फिर मैं आपको एक ऐसी जगह का नाम बताऊंगा कि वहाँ आप जाएंगे, पहाड़ों पे है वो जगह, और फिर वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगी, जाइएगा उसको चाट के आ जाइएगा। जब आप चाट के आएंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, पेट भी ठीक हो जाएगा, हाजमा भी सही हो जाएगा, और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है, उसको चाटना पड़ेगा, लेकिन जीभ से चाटोगे तब जो है समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, पक्का विश्वास है आपको इस बात पे? चलिए मैं अगला सवाल लेता हूँ। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल को कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लिटा दीजिए, सवाल को क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। 12 से 15 से और 20 से, 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो, और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 25, 60, 130, 25, 60, 130 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 63, यानी ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो एक तरीका तो ये कि इनका एलसीएम निकालो और आप उत्तर बता दो, दूसरा तरीका ये कि आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, 9 से 3 से 5 से कौन सी कटती, पहले तो आप देखो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें 3 आ रहा है तो ये तो कभी जिंदगी में 5 से नहीं कटेगी, ये 5 से कट सकती है, ये 5 से कट सकती है, ये 5 से कट सकती है, इसका मतलब 5 को छोड़ो, अब 9 और 3 को देखना है आपको। तो आप फिर 9 पे आ जाओ, अब आप एक बात बताओ 6 और 0 कितना आ रहा है इनका योग 6, क्या 6 9 से कटता है? तो भाई 6 9 से कटता ही नहीं है, 3 से कटता है, 6 9 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका देखा आपने तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये कटता है 3 से, ना 3 से ना 9 से, तो ये भी गलत हो गया। फिर यही सही होगा इसका, 5 और 2 क्या हुआ, अच्छा 9 का मतलब नहीं है इसमें, ओ माई गॉड, हमने सोचा ये 18 बीच में क्या है चक्कर, चलिए 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 क्षमा करेंगे आप हमें, कर दिया पहले ही करके बैठे हो, अच्छा अच्छा चलिए। तो ये वाला भी एलिमिनेट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है 5 और 2 7 आ रहा है, अब चूंकि इसमें 7 आ रहा है तो 7 ना तो 3 से कटता है, और 9 का तो इसमें खेल ही नहीं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहीं अप्लाई नहीं हो रहा, तो 9 को देखना ही नहीं, 9 इसमें मौजूद ही नहीं है, 3 और 5 मौजूद है, 3 यहां पर मौजूद है, 3 यहां पर मौजूद है, यहां पर 5 भी मौजूद है, और यहां पर 5 मौजूद है, तो 9 नहीं है इसके अंदर। तो ये वाली संख्या जो है 9 को छोड़ दीजिए, 9 है ही नहीं तो 9 का क्या मेंशन करना है। ये क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 आ रहा है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, 0 आ रहा है इसमें एप्लीकेबल था, लेकिन अंकों का योग 4 आया, 4 3 से नहीं कटता, यहां पे 5 और 2 7 आया, 3 से नहीं कटता, यहां पे 6 0 कितना आया 6 आया, 6 3 से कट जाता है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा ठीक है, जिन्होंने बी बताया वो ठीक है भाई, सही है, क्या करें भारत रत्न दे दें अब तुम्हें, बताओ। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 18, 36 और 60 से भाग देने पर एक शेषफल देती है, यानी कि 18, 36 और 60 से अगर भाग देते हैं तो एक शेषफल वो देती है। इसमें ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 211, दूसरा है 161, तीसरा है 172 और फिर चौथा ऑप्शन है 181। भाई आप याद करिए वही सवाल तो जो सेकंड टाइप था कि एक्स वाई जेड से भाग देने पर आर शेषफल बचता है, तो आप क्या करते थे, एलसीएम ऑफ 18, 36, 60 प्लस 1, ये तो करना है आपको, एलसीएम ऑफ 18, 36, 60 प्लस 1, यानी इनका एलसीएम जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना है आपको, तो वही उत्तर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो
वो एलसीएम उतना होगा जितना कि इनमें से सही उत्तर में से अगर एक को मैं घटा लूं तो जितना प्राप्त होगा। बोलो यस सुनो भाई, इनके एलसीएम में एक जुड़ा हुआ ही तो उत्तर है, जो इनमें से सही उत्तर है। मुझे मालूम नहीं कौन सा सही उत्तर है, आप लोग कमेंट में हालांकि बता रहे हैं, बहुत होशियार हैं। तो अब इनमें से जो सही उत्तर है, मान चलो ए सही उत्तर है या बी सही उत्तर है या सी है या डी है, वो जो सही उत्तर है वो इन तीनों के एलसीएम से एक ज़्यादा ही तो है, क्योंकि इनके एलसीएम में एक ही तो हम जोड़ते हैं, वही तो उत्तर पर टिक लगाते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड प्लस वन। यानी सही उत्तर क्या है, इन तीनों के एलसीएम से एक ज़्यादा है। यानी अगर ये उत्तर सही है तो इनका एलसीएम कितना होगा, 160 होगा। अगर ये उत्तर सही है तो एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये सही है तो एलसीएम कितना होगा, 171 होगा। अगर ये सही है तो एलसीएम कितना होगा, 210 होगा। यानी पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो शेषफल दे रखा है उसको आप घटा लीजिए। यानी कि अगर बी उत्तर सही है, मान के चलो अगर बी सही है, तो फिर हमारा एलसीएम इन तीनों का कितना आ रहा होगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा होगा, 160 आ रहा होगा। अगर ये वाला सही है तो 180 आ रहा होगा, अगर ये वाला सही है तो 210 आ रहा होगा, अगर ये वाला सही है तो 171 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, 5 और 9 और 3 को चेक करना है। तो इसमें 9 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो पहले तो 5 वाला देखो, ये वाला यहीं से कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 1 आ रहा है लास्ट में, और 1 आ रहा है तो 5 से नहीं कटेगा। तो इस सी ऑप्शन को तो यहीं पर आप गलत कर दीजिए, तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको तो छूना ही नहीं। अब ये 3 बचे, तीनों 5 से कटते हैं, तो हम 9 की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें देखो कितना आ रहा है, 2 और 1 3 और 0 3 आ रहा है। बताओ क्या 3 9 से कटता है, 9 3 से कटता है, लेकिन 3 9 से नहीं कटता। ये क्लियर है ना आपको बात, तो ये इसका अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 तो 9 से कटता ही नहीं है भाई, भाई 3 में अगर तू 9 का भाग देगा तो कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, बोलो नहीं कटेगा मेरे भाई। तो इस कारण से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसको देखो इसका कितना आ रहा है, 6 और 1 7 आ रहा है, क्या 7 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर इसको देख लो, 8 और 1 इसका 9 आ रहा है, 9 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल पक भी जाएगा है, समझ आ गया। जिन्होंने डी बताया बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत जोरदार, बहुत अच्छे, आज आ जाओ मेरे पास, मैं मेडल पहना दूं तुम्हें फिर इस बात पे। अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया, क्लियर हो रहा है ना सबको। बताओ दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओगे, आपको हूबहू सवाल दिखाई देंगे और आप उस टाइम पे मुझे थैंक यू बोल रहे होगे कि जी बहुत अच्छा पढ़ाया था, ये चीज तो हम चाहते थे। चलिए अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तुमको भूल जाऊं, ये दिल है दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताऊं, हैं सही है। चलो अगला सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 27, 54 व 90 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है। 27, 54 और 90, 27, 54 और 90 से अगर भाग देते हैं तो कितना शेषफल देती है, 3 शेषफल देती है। और आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, 133, 255। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई, सही उत्तर बताइए कौन सा सही उत्तर है। 111, 273, 111, 273, ये 133, 255, 111, 200, हाँ ठीक लिखे हैं, ठीक है, चलिए बताइए, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए भैया ध्यान से, अब ये कह रहा है कि इनका एलसीएम प्लस 3 वही तो उत्तर होगा भाई, इनका एलसीएम प्लस 3 जो होगा वही उत्तर होगा। यानी कि अगर इनके एलसीएम की बात करूं तो सही उत्तर जो भी है उसमें से 3 घटाने पर वो हमें प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर ये वाला ऑप्शन अगर ठीक है तो जो इन तीनों का एलसीएम होना चाहिए वो 130 होना चाहिए। अगर ये वाला ठीक है तो एलसीएम कितना होना चाहिए, 252 होना चाहिए। अगर ये वाला सही है तो कितना होना चाहिए मेरे भाई, फिर होना चाहिए 271। अगर ये वाला सही है तो कितना होना चाहिए भाई, घटा के बता जरा, 108 होगा क्या। एक बार देखो, ठीक घटाया मैंने, ठीक घटाया, यहाँ पे गलत घटा दिया, 270 आएगा यहाँ पे, 3 घटाओगे 270 आएगा। बोलो क्लियर है, ये इन तीनों का एलसीएम होगा भाई। 3 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जो आंसर आएगा जब भी ऐसा हो, कितना शेषफल आता है तो एलसीएम और शेषफल को जोड़ देते हैं। यानी अगर एलसीएम निकालना तो उस उत्तर में से शेषफल घटा लो, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है भाई, जो लोग नहीं समझ रहे वो एक बार इधर देखना जरा। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर 5, 3, 5 व 15 में भाग देने पर 1 शेषफल आए, तो आप इस सवाल का उत्तर क्या बताएंगे कि भाई इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 15 प्लस 1, यानी उत्तर कितना आ गया, 16। तो अगर मैं ये कहूं कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप इस उत्तर में से इस चीज को घटा दो, 16 माइनस 1, तो कितना, 15 एलसीएम होगा। तो मैं ये वाला काम कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है, पहले से ही क्लियर था आपको, लेकिन फिर भी मैंने जो एक बार आपके मन की तसल्ली के लिए बता दिया। अब देखो यहां पे 9 का रूल एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, 9 का है तो 3 का भी होगा ही होगा। तो और जहां पे 9 का एप्लीकेबल हो जाए ना, फिर मैं 3 को चेक मत करना, अगर कहीं 9 का एप्लीकेबल रूल है तो फिर 3 का क्या करना भाई, जो 9 से कटता है 3 से कटेगा ही कटेगा, यानी 9 ज्यादा है, 9 बाप है 3 बेटा है, ठीक है। चलो
ये जो 90 है, 90 इसका मतलब 5 से भी 5 का और 9 का दोनों का रूल यहाँ पे है। तो पहले तो आप ऐसे काट, ऐसे चीज़ों को हटा दो जो 5 से ही नहीं कटती। देखो ये क्या 5 से कट सकता है ना, इसको चेक ही क्यों करें, ये 5 से कटता है नहीं कटता, अलग कर दो। ये दोनों 5 से कटते हैं, इनकी बात आ गई। अब इसका अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या 4 9 से कटेगा? जीवन में नहीं कटेगा। तो फिर यही बचा, फिर भी एक बार देख लो, 7 2 9 0 9, ये 9 9 से कट जाएगा दोस्त। तो बोलो बोलो ठीक है, एक बार चेक और कर लेना, कभी ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, हो जाए तो माफ़ कर देना, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कि मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। पहला और दूसरा सेशन जरूर देख लें तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या आपको पढ़ना है आगे। आप कुछ लोग UPSI भी आप में से दे रहे होंगे तो वो सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगला सवाल लेता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ भाई, अगला सवाल लेता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 से 6 से और 10 से भाग देने पर क्रमशः 1 4 व 8 शेषफल देते हैं। यानी ये बढ़िया सवाल आ गया, 3 6 10 1 4 8, 3 से भाग दो, 6 से भाग दो, 10 से भाग दो, तो शेषफल कितना आता है? इनसे भाग देते हो तो शेषफल आते हैं 1 4 और 8 शेषफल आते हैं। याद आ रहा है कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप है, एक्स वाई जेड से भाग देने पर ABC शेषफल आता है। तो क्या कर देते हैं, LCM ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, वेयर के इक्वल्स टू एक्स माइनस ए या वाई माइनस बी या जेड माइनस सी या फिर और आगे कहानी, बोलो हाँ या ना। सही है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। यानी 3 से 6 से और 10 से भाग देने पर 1 4 8 शेषफल आते हैं। आपको ऐसी संख्या बतानी है और आपके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 28 42 28 42। ये कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि जी मेरे को ऑप्शन दो, ऑप्शन से उड़ा दूंगा। मैं आपको ऐसा सवाल भी कराने वाला हूँ ना कि आप ऑप्शन से इसको उड़ा नहीं सकते, ऑप्शन से नहीं कर सकते उस सवाल को। मेरा पहला और दूसरा सेशन व्यर्थ नहीं है भाई मेरे, अभी दूंगा, ठीक है, सबकी हेकड़ी निकल जाएगी आपकी। चलो क्या है, 28 42 34 और ऑप्शन नंबर डी कितना है, 57 यानी 57। चलिए भैया, तो अगर आप इसको जनरली सवाल को कर रहे हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 3 6 10 माइनस के, माइनस के मतलब कि आप ये कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, पेपर में ऐसे मत करना, पेपर में वही कर लेना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ऐसे करते हैं आप। एलसीएम ऑफ 3 6 10 3 6 10 माइनस के का मान कितना है, इन दोनों का अंतर या इन दोनों का, एक्स माइनस ए या वाई माइनस बी या जेड माइनस, कुछ भी रख ले, अंतर बराबर ही होता। बराबर नहीं होता तो मैंने सवाल करा दिया आप दूसरे वाले सेशन में, वो देख लेना लास्ट में, आज भी बताऊंगा उसको जब खत्म करूंगा तो सवाल को बताऊंगा जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 है। तो एलसीएम ऑफ 3 6 10 कितना आएगा मुझे बताओ जरा, कोई एलसीएम ऑफ 3 6 10 कितना आएगा बताओ, 30 आएगा क्या, 30 आएगा। चलो 30 माइनस 2 और उत्तर कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। पहला ऑप्शन आपको ठीक है दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको एक कहता हूँ जनरली बताओ। देखो ये जब आप ट्रिक के चक्कर में पड़ते हो ना तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटी चीज़ होती है, वहाँ से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चलो नहीं निकल रहा आपको तो ऑप्शन से ही जाना है, तो मैं वो रास्ता भी बता रहा हूँ, ये भी ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं इसमें। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको मालूम है कि जो आपका उत्तर आएगा वो इनके एलसीएम में से कुछ चीज़ आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, के माइनस करोगे। आपने कितना माइनस किया, 2 माइनस किया तो 28। तो कल को अगर मुझसे कोई ये पूछने लगे कि जी इसका एलसीएम कितना होगा, तो मैं उसमें 2 जोड़ दूंगा भाई, 28 में 2 जोड़ दूंगा तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। बोलो यस और नो, अगर मैं इस 28 में जो हमारा उत्तर है उसमें उस चीज को जोड़ दूं जो के का मान है, भाई के आपने घटाया जब भी तो उत्तर आया है, अगर के को आप जोड़ दोगे तो एलसीएम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो आप अगले सवाल का इंतजार कर लो भाई, भाई ऐसे मेरे को पता नहीं चल रहा कि आप फिर कौन सी विधि के कारण से समझेंगे। तो आप ये चाहते हैं केवल रट्टा मरवा दे कि भाई अगर ऐसे आए तो इसमें ऐसे जोड़ दे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसा रट्टा मरवा रहे हैं कि पेपर में जाके आप सारे रट्टे भूल जाओगे। तो मैंने कहा कि माइनस 2 कई किया है तब उत्तर आया है, तो उत्तर कितना आया, 28। अगर इस उत्तर से एलसीएम प्राप्त करना है तो क्या करें, जो घटाया उसको जोड़ दो, तो 2 जोड़ दो, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप एक को उत्तर सही मानते हैं तो आपका आंसर होगा फिर इसका 30, आंसर का मतलब 3 का 6 का और 10 का एलसीएम। अगर आप इसको सही उत्तर मानते हैं तो आपका फिर कितना होगा, 44 होगा। इसको सही मानते हैं तो 59 होगा, इसको सही मानते हैं तो 36 होगा। बोलो अब क्या कह रहा है कि देखो ये 3 6 और 10, एलसीएम जो होगा उसमें 5 का रूल एप्लीकेबल है और 3 का रूल एप्लीकेबल है, 9 का नहीं, यानी 5 और 3 का रूल एप्लीकेबल है। तो भैया देखो ये भी कट गया, 5 से नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता, ये रहा उत्तर सही 28। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, इसका इकाई अंक 44 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, तो जब इसका 4 6 और 9 है तो क्या 5 से कटेगा भाई, 5 का तो ये 0 हो या 5 हो तो ही कटेगा, तो यही हमारे सामने एक तीर बच गया, इसी को हमने चला दिया। समझ गया,
समझ गया बे, समझ गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बार बार ये डस्टर खो जाता है मेरे से, तो जो है अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कान में आके कुछ कह रहा है। ये सवाल ये रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 9 से 18 से और 60 से भाग देने पर 6, 15 और 57 शेषफल देती है। यानी कि 9 से 18 से और 60 से भाग देने पर 6, 15 और 57 शेषफल देती है। इनसे भाग देते हैं तो ये शेषफल आते हैं। 9 से 18 से और 60 से भाग, 9 से 18 60 से भाग देने पर 6, 15, 57 शेषफल आते हैं। चार ऑप्शन है, पहला है 77, दूसरा ऑप्शन क्या है 177 होगा, क्या है नहीं 277, सी ऑप्शन है 377 होगा, 377 और चौथा ऑप्शन है। मेरी किताब है इजी टू एमिनेंस, मेरे द्वारा बनाए गए सवाल हैं जो मैंने लिए हैं आज, कल तक मैं ले रहा था वैसे सवाल जो पेपर में पूछे गए थे। ये पेपरों से ही पूछे गए सवाल हैं, मैं भगवान थोड़ी जो सवाल पैदा कर दूंगा, पेपरों में आए हुए सवाल हैं उन्हीं के आधार पर कुछ सवालों को बनाते हैं, कोई भी भगवान नहीं है। ठीक है, चलिए 377 और फिर क्या 177, ये एक सवाल है, तो इसका आपको सही उत्तर आपको बताना है। 77, 277, 377, 177 आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। चलिए उत्तर होगा एलसीएम ऑफ 9, 18, 60 माइनस के का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो अगर 3 आप घटा रहे हैं तो एलसीएम निकालने के लिए 3 जोड़ दो, कितना होगा 80 होगा। यहाँ से कितना होगा 280 होगा, यहाँ से कितना होगा भाई 180 होगा, यहाँ से कितना होगा भाई 380 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना भाई। 3 क्यों जोड़ा, इनका अंतर भाई उत्तर में से 3 घटाया है ना, तो इसका मतलब उत्तर में 3 जोड़ दूंगा तो एलसीएम आ जाएगा। ये क्लियर है बात, नहीं क्लियर है तो ये समझ ले ऐसे दे रखा हो ना तो इनका अंतर जोड़ना है फिर तेरे को, यही समझ, यही अच्छा लगता है, यही सब बातें अच्छी लगती हैं आपको। चलो 80, 280, 380, 180, ठीक है जी। मैं आपको ऐसे डांटता रहता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जो है मैं आपसे बहुत प्यार भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा, कहो तो सीना चीर के दिखा दूँ, मना तो कर दो कम से कम कमेंट में कि मत दिखाओ। चलो 80, 280, 180 और 380। तो भैया 9 का भी एप्लीकेबल है, 9 एप्लीकेबल, 3 हो गई होगा, फिर 5 का भी एप्लीकेबल है, 9 5 को चेक करना है, 5 तो सभी 5 से कर सकते हैं, तो 9 ही चेक करना है हमको सीधा। क्या ये 9 से कट सकता है 808? नहीं कट सकता, गलत है। ये 9 से कट सकता 8, 2, 10, 1, ये नहीं कट सकता 9 से, 8, 3, 11, 1 और 1, 2 नहीं कट सकता, 8 ये कट जाएगा, बोलो 8 और 1, 9, 9 से कट जाएगा, 9 और 0, 9, बोलो 180 के अंकों का 9 होगा। बोलो समझ आ गया, समझ आ गया, दिल को छू गया, दिल को छू गया होगा तो शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर दिल छू गया हो तो। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपकी सेवा में लिए लेते हैं, अगला बेहद खूबसूरत सवाल, बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत के बस मत पूछो कितना खूबसूरत, पूछो ही मत आप। अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5, 9 से भाग देने पर 2, 4 और 8 शेषफल प्राप्त होते हैं किंतु संख्या 7 से पूरी तरह कट जाती है। 3 से 5 से और 9 से, 3, 5 और 9 से भाग देते हैं तो कितना शेष आता है, फिर शेष आता है 2, 4, 8, 2, 4, 8। ठीक है, किंतु जब 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो संख्या पूरी तरीके से उड़ जाती है। और चार ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, 45, 44, तीसरा है कितना 98 और चौथा 224। इस सवाल को भी ऑप्शन से कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, अगला दूंगा उसे करके दिखो ना तुम। चलिए चलिए भैया, पहले तो आप क्या कर लो, यही कर लो, इसका अंतर अंतर घटा लो। पहले तो आप ये देखो कि संख्या 7 से कौन सी कटती है इनमें से, वो उत्तर होगा। पहली बात तो जो 7 से नहीं कटती वो उत्तर नहीं हो सकता, 7 से कौन सी कटती है ये देख लो। 7, 11, 13 का भी एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इतने रूल अभी पढ़ा दूंगा तो कैसे काम चलेगा, वो डिविजिबिलिटी रूल नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सही है, ठीक। तो आप इसमें 7 का भाग देखो, 7, अरे यही कट गया 7 से, तो भाई ये भी कटता है क्या 7 से, 7 से ये भी कटता है क्या,
सात एकम सात, हाँ कटता है भाई सात से भी कटता है, फिर तो ठीक ठीक है, ये कटता है सात से, इन ये दोनों नहीं कटते सात। इसका मतलब आपको इन दोनों में से चेक करना है उत्तर, या तो ये होगा भाई ये कह रहे हैं सात से पूरी तरह विभाजित है, वो संख्या जो है वो सात से पूरी तरह विभाजित है, इनमें से कौन सी संख्या सात से विभाजित है, या तो ये विभाजित है सात से, सात एकम सात चौदह सत्तर अठानवे, या ये भी विभाजित है सात एकम सात दूनी चौदह, बारह बार कट रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन ना तो ए हो सकता है ना आपका ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि सवाल में पहले ही वो कह चुका है कि जो संख्या है वो सात से पूर्णतया विभाजित है, जो संख्या है वो सात से पूर्णतया विभाजित है, ऐसा कह चुका है। अब जब संख्या सात से विभाजित है तो पहला ऑप्शन भी नहीं जो है पहला भी नहीं हो सकता दूसरा, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन सात से विभाजित ही नहीं होता, तो फिर वो आंसर कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। बोलो क्लियर हो रही इतनी बात, वो कह रहा है ना सात से विभाजित है वो संख्या, ये है ही नहीं सात से, तो इसको ले तो ठीक है। अब के का मान कितना आ रहा है, एक आ रहा है, के का मान एक आ रहा है, जब के का मान एक आ रहा है तो इसका मतलब ये है, जब के का मान एक आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इस हिसाब से तो 97 होगा और इस हिसाब से 223 होगा। बोलो यस और नो, यस और नो, मुझे तो इस सवाल में ही गड़बड़ लग रही भाई, मुझे तो इस सवाल में ही गड़बड़ लग रही है, ये मेरे अंदर गड़बड़ है, माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस करना है ना एक आपको, तो ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहे हो, अच्छा मैं कर रहा हूँ गड़बड़, चलिए मैं ही करता हूँ गड़बड़, तो खैर जब भी करता हूँ, आप तो बहुत सुधरे हुए हैं, शरीफ हैं एकदम। बोलो क्लियर है भाई, क्या करते हैं एलसीएम माइनस के करते थे ना, तो अगर उत्तर प्राप्त करना है तो आप उसमें प्लस कर दोगे क्या के का मान, तो यहाँ के का मान कितना आ रहा है, तीन में से दो घटाओ एक आ रहा है, यहाँ घटाओ एक आ रहा है, यहाँ घटाओ एक आ रहा है, तो आप जो भी आपको अगर एलसीएम प्राप्त करना है तो आप उसमें उसको जोड़ दीजिए। बोलो क्लियर हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर 224 उत्तर सही है तो एलसीएम 225 होगा, और अगर ये ऑप्शन सही है तो ये वाला होगा। बोलो क्लियर है, ये दो ऑप्शन क्यों कट गए, इसलिए कट गए क्योंकि सात से संख्या विभाजित होनी चाहिए थी, ये दोनों नहीं हो रहे थे, फिर मैंने कहा कि ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब मैंने क्या कहा, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम कैसे निकाला, इसमें से इसको घटाया या इसमें से किसी में को घटा लो, के का मान आ गया, उस के मान को जोड़ के देख लो, तो जो जोड़ा तो ये 99 हो गया, 225 हो गया, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो या तो ये होगा या तो ये 225 होगा। अब आप बताओ ये पाँच का और नौ का रूल एप्लीकेबल है, क्या ये संख्या पाँच से कर सकती है, जिंदगी में नहीं कर सकती, इसका मतलब फिर देखना ही नहीं है, ये उत्तर होगा। पहली बात तो ये पाँच आ रहा है इसमें लास्ट में, दूसरा नौ और तीन को देख लो, दो और दो चार और पाँच नौ, नौ से भी कटती है, तो बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है सबको, अच्छा लग रहा है सबको। अगर इसी सवाल को आप मेथड से करते, जेनुअन मेथड से करते, तो देखो भाई ऐसे करते फिर आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो अगर मारना हो तो, अगर जेनुअन मेथड से करते तो आप ऐसे करते, कैसे करते देखो, ऐसे करते भाई, जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, क्यों बता रखा है, अभी आपकी आँख खुल जाएंगी, सबकी आँख खुल जाएंगी आपकी, जितनी भी जिनको भी नींद आ रही है ना सबकी आँख खुल जाएंगी। अभी मैंने आपको ये बताया था कि इसका ऐसे करना होता है कि एलसीएम ऑफ 3, 5, 9 और माइनस के, यही बताया था, और के का मान भी मैं सीधा रख लेता हूँ, अब आप बड़े हो गए बच्चे नहीं रहे, तीन में से दो गया तो एक, सही है ये बताया था। इनका एलसीएम कितना आ गया, मैंने कहा था अगर ऐसे विभाजित वाली चक्कर दे रखा हो तो एक वेरिएबल और लगा लेना चाहिए, मैंने एन लगा लिया, ठीक है आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है जो पसंद है उसको लगा सकते हैं। फ़ोन भाई ऐसे फ़ोन वोन मत करो, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो लाइव क्लास में, चलिए एलसीएम ऑफ इतना माइनस इनका अंतर जो के है, तो मैंने क्या किया, सात से विभाजित है तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्या लगा लिया, एन लगा लिया। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 3, 5, 9 का एलसीएम बताओ कमेंट करके कितना आएगा, 45 आएगा क्या, 45 आएगा, 45 आएगा, 45 एन माइनस एक, अगर ये सात वाली बात नहीं दे रखी होती ना तो सवाल का उत्तर 45 माइनस एक 44 ठीक हो जाता, अगर ये सात वाली बात नहीं दे रखी होती, संख्या सात से कटती है तो फिर 45 माइनस एक 44 ठीक उत्तर हो जाता हमारा, ठीक है ना भाई। लेकिन 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 सात दे रखा है तो क्या करें, इसमें से सात से कटने वाला पार्ट हटा लो, वही कल का मेथड है, क्या इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो सात से कटती है, तो आपने कहा 42 एन कटता है सात से, बाकी जो बचा क्या 3n-1 ये नहीं कटता भाई, 45 एन पूरी गलती थोड़ी है, 45 में से 42 एन तो सात से विभाजित है, ये वाली संख्या सात से विभाजित होनी चाहिए, तो भाई सात से इसका ये वाला पार्ट तो सात से विभाजित है, 7, 6, 42 बड़े से बड़ा पार्ट अलग कर लेते हैं, ये वाली चीज़ सात से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इसको सात से विभाजित होना पड़ेगा। सात से विभाजित होने के लिए n का मान कितना रखना चाहिए, 0 रखोगे तो उत्तर माइनस एक आएगा, हो नहीं सकता, माइनस एक सात से नहीं कटता, 1 रखोगे 2 आएगा वो भी नहीं कटता, 2 रखोगे 3, 2, 6 में से गया तो 5 भी नहीं कटता, 3 रखोगे 3, 3, 9 8 भी नहीं कटता, 3, 4, 12 11 भी नहीं कटता, 3, 5, 15 में से गया तो 14 सात से विभाजित, यानी n का मान कितना है 5 है। बोलो समझ में आया n का मान 5 समझ आया, नहीं आया तो भाई पुराना सेशन दोनों जाके देख लेना, आप क्यों नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इसी क्लास से जुड़े हों, ठीक है।
ले बता देता हूँ कैसे आया। मैंने इसमें से 42 एन अलग कर लिया, बचा 3 एन माइनस 1। अब ये तो 7 से कटता है भाई, कह रहा है ना संख्या 7 से कटनी चाहिए, तो ये चीज़ तो 7 से कटती है। ये कब कटेगी? जब कटेगी जब एन की जगह 5 रखोगे। 0 रख के देखा, जो उत्तर था वो 7 से नहीं कट रहा था, 1 रखा नहीं कट रहा था, 5 रखा तो 3 × 5 = 15। 3 एन का मतलब एन में गुणा करनी है ना 3 × 5 में, यानी जो भी मान एन का होगा उसमें, तो 3 × 5 = 15। 15 में से 1 गया तो कितना आया? 14 आया। 14 7 से कट जाता है, क्लियर है? तो इसका मतलब एन का मान 5 है, उस 5 को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो 45 × 5 - 1 यानी कि 225 - 1 यानी कि 224, और यही आपका आंसर ठीक था। बोलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है आपको? अगला सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, सब लोग बताइए इसका उत्तर, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको जोड़ो, इसका उत्तर बताएगा, देखे कौन बताएगा इसका उत्तर, कौन बताएगा? ऑप्शन से करने वाले बताएंगे क्या? सवाल कह रहे हैं कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए जिसमें 12, 18, 20 से भाग देने पर 10, 16 और 18 शेषफल आते हैं। इससे भाग देते हैं या शेषफल आते हैं? उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, इससे भाग देते हैं 12 से 18 से 20 से भाग देते हैं तो शेषफल 10, 16 और 18 आता है, किंतु जो संख्या है वो 7 से पूरी तरह कट जाती है। इनसे तो शेषफल आते हैं 20, 18 से करते हैं 16 आता है, 12 से करते हैं 10 आता है, लेकिन 7 से करते हैं तो कट जाती है, यानी 0 शेषफल आता है। यही तो बात है, कट जाने का मतलब 0 शेषफल आता है। 20 से उस संख्या में भाग देते हैं 18 शेषफल आता है, 18 से भाग देते हैं 16 शेषफल आता है, 12 से भाग देते हैं 10 शेषफल आता है, 7 से भाग देते हैं 0 शेषफल आता है, यानी पूरी तरह कट जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 5 और इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2, 3, 5 None of these above, नोटा, ये नोटा है, None of these above, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बताओ, चलो दीजिए उत्तर दीजिए। 2, 3, 5 नोटा, क्या ऑप्शन से जा सकते हो? ईमानदार दिल पे हाथ रख के बताओ, ऑप्शन से जा सकते हो इस सवाल में? नहीं, बताओ आप ऑप्शन से जा सकते हो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस सवाल को ऑप्शन से कोई कर सकता है? केवल ऑप्शन से कोई कर सकता है, उसको कोई और मेथड नहीं आता सवाल को करने का। मान के चलो मुझसे कभी मिला ही नहीं है, या उस आदमी से नहीं मिला है जिसको ये मेथड आता है करने वाला, तो क्या इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं? मैं ऑप्शन वालों से ही पूछना चाहता हूं भाई, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हाँ ऑप्शन से आपको करने की तरीका जो आना चाहिए, लेकिन आपको केवल ऑप्शन वाला ही आना चाहिए, ये बात गलत है भाई। और बात बताऊं, ये पेपर में आया हुआ सवाल है जो मैंने आपको दिया है, पेपर का सवाल है, पेपर का सवाल है भाई। सही उत्तर बताने वाले बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत, जिन्होंने उत्तर बताया मैं बहुत, आई लव यू वेरी मच जिन्होंने उत्तर बताया, ठीक है। अब देखिए सवाल को, कह रहा है 12, 18, 20 और कितना शेषफल आता है? 7 से काटें तो 0 शेषफल आता है। करते हैं भाई सवाल को, तो सवाल कैसे होगा? LCM ऑफ 12, 18, 20 माइनस के, और के का मान क्या है? 12 में से 10 गए तो 2। अब 7 से कटती तो इसका मतलब यहाँ क्या लगा लिया? वेरिएबल n। समझ आया? मैंने आपको तरीका बताया है, अगर ऐसे दे रखा होता तो होता है LCM ऑफ XY जेड माइनस के, के क्या होता है? या तो x माइनस a, y माइनस b, या z माइनस c। यहाँ तक की बात समझ में आई? n क्यों लगाया? कह रहा संख्या 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा वही ठीक उत्तर नहीं है, उसको 7 से कट जाए ऐसा और बनाना पड़ेगा। तो आपने कर दिया LCM ऑफ इतने माइनस 2, 2 मतलब k, और n क्यों लगाया? क्योंकि संख्या को 7 से भी हमें आगे चल के काटना पड़ेगा, तो इसलिए लगाया। इसका LCM कितना आया? इसका 180 आएगा शायद, 180 n माइनस 2, 180 आएगा क्या? 180 आना चाहिए मेरे विचार में तो, या कुछ कम आएगा? कम नहीं आ सकता, 180 सही है। तो अब कह रहे संख्या 7 से कटनी चाहिए, अब इसमें 7 से कटने लायक क्या चीज़ है जो 7 से कट जाए? बताना कोई, 7 से कट जाए 175 है, 175 n 7 से कट जाए, पहले 140 कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 7 × 2 = 14, 140 निकाल लो, फिर 30 बचेगा, फिर 30 में से 35 बार निकाल लेना, तो 140 और 35 जोड़ के 175 हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी को सीधा 175 समझ नहीं आया तो देखो वो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले भाई कि 7 से 140 कट जाएगा, प्लस 30 एन माइनस 2, फिर इसमें से 7 वाला निकाल ले, 7 वाला क्या है इसमें से जो निकल जाए? नहीं, यहाँ पे 40 आएगा ना भाई मेरे, 40, 140 बचा, तो 7 × 5 = 35 को और बाहर निकाल ले, तो 140 एन प्लस 35 एन और प्लस कितना बचा? 5 एन माइनस 2। बोलो क्लियर है? क्लियर है बोलो? अगर किसी को सीधा 175 नहीं समझ आ रहा था तो ये कितना हो गया? अब यहाँ पे आके 175 हो गया,
एन प्लस 5n माइनस 2। क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? इसमें से 175 सात से पूरा कटता था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, 5n माइनस 2 बच गया। इसको सात से कटने लायक बनाना है, ठीक है जी। इसमें से छोटे छोटे टुकड़े कर, 70-70 करके निकाल लो, 70 निकाल लो, फिर 70 निकाल लो, 7-7 करके निकाल लो, है आपको तो आदत है, क्या दिक्कत है? 7-7-7-7-7-7-7 है, निकालते चले जाओ, 5n माइनस 2। अब मुझे बताओ n का कोई ऐसा मान जो कि उत्तर, इसका उत्तर 7 से कट जाए। 0 रखोगे तो कटेगा ना, 1 रखोगे 3 आएगा, भाई 5 एकम 5 में 2 गए 3 तो आएगा, नहीं कटेगा। 2 रखोगे 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 नहीं कटेगा। 3 रखो 5 थी 15, 13 नहीं कटेगा। 4 रखो 5 चौक 20, 18 नहीं कटेगा। 5 पंजे 25, 2 23 भी नहीं कटेगा। 5 छिंग 30 और 30 में से 2 गए तो 28, 7 चौक 28, यानी कि 6 इसका सही है। अगर n की जगह 6 रख दोगे तो 5 छिंग 30, 30 में से 2 गए तो 28 और 28 7 से कट जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। उस 6 को आप यहाँ रख दीजिए, यानी 180 इंटू 6 माइनस 2 कितना आ गया, 18 छिंग 108 और माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 1078 इतना आएगा। यानी अंकों का योग कितना आ गया इसका, 8 और 1 9 को अलग कर दीजिए, 7 अंकों का योग है। 7 कोई नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो गया, नोटा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं था, नोटा ऑप्शन इसका ठीक है। दोबारा देख लो, 180 माइनस 2, भाई इस माइनस के करते हैं, 180 यहाँ तक समझ आया आपको, 5n माइनस 2, n का वैल्यू 6 रखेंगे तो 7 से कटने लायक संख्या बन जाएगी, तो n की जगह 6 रखोगे 7 से कटने लायक बन जाएगी, 5 इंक 30 में से 2 28 सही है, तो 6 का यहाँ पे रख दीजिए आप। इसमें जब आप 6 को पुट करेंगे तो 180 गुणा 6 माइनस 2, तो 180 में 6 की गुणा करेंगे कितने होते हैं, 18 पंजे 18 छिंग 108, 1080 माइनस 2 घटा लिया तो 1078। इसके अंकों का योग पूरा करो, संख्या के अंकों का योग बताओ, तब इसके अंकों का योग कितना आएगा, 7 आ जाएगा। जो ऐसे जोड़ लो, 7 और 1 8 और 8 16, 16 में तो 6 और 1 7 आ गया, मैंने क्या किया 9 बन रहा था, 8 और 1 9 उसको मैंने अलग कर दिया तो 7 बच गया। बोलो क्लियर है, डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है पक्का? खूबसूरत, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है, उस सवाल को ले लेते हैं जो मैंने कल के सेशन में आपसे आखिर में कहा था ना कि जी इस सवाल को आप घर से करके दिखाइएगा, मैं उसको ले लेता हूँ। उस सवाल को क्या सवाल था, एक बार उस सवाल को भी ले लेते हैं, उस सवाल को भी ले लेते हैं, मैं सवाल को बोल देता हूँ, सवाल को बोल, जिस जिसका उत्तर आया एक बार टाइप करके बताओ कितना उत्तर है उस सवाल का, उस सवाल का उत्तर टाइप करो जी जिसका भी आया है। सवाल ये था भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 4 और 3 आते हैं, यानी कि 8 से भाग दें 5 से भाग दें तो 8 से भाग देने पर 4 आता है, 5 से भाग देने पर 3 आता है। 8 से भाग देने शेषफल 4, 5 से भाग दे रहे हैं, पहली कंडीशन 8 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, दूसरी कंडीशन 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है शेषफल। फिर आगे कह रहा है किंतु यह संख्या 13 से पूरी तरह कट जाती है, 13 से पूरी तरह विभाजित है, संख्या 13 से पूरी तरीके से कट जाती है, संख्या ऐसी है, इस तरीके से कह रहा है, तो इसका हमको बताना है। अब कुछ लोग कहेंगे जी ऑप्शन ही बताओ, भाई ऑप्शन के पीछे मत पड़, इसका सॉल्यूशन सही तरीके से निकाल ले, क्योंकि ऑप्शन मैंने अभी आपको बता दिया ऑप्शन की कहानी कैसी होती है, तो इसको हम कर लेते हैं भाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं संख्या, संख्या निकालते हैं भाई, पहले संख्या क्या है, तो आप सोचो ही मत कि दूसरी कंडीशन दे रखी है, जो लोग पहली बार समझ रहे हैं वो ध्यान से समझ लें, दूसरी बार समझ रहे हैं वो चेक कर लें जो आपने किया है। तो पहली कंडीशन से मैं संख्या निकाल लेता हूँ, कह रहा है 8 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है, 8 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है, इसका मतलब संख्या या तो वो 12 है, 8 एकम 8 और 4 12, यह संख्या फिर वो 8 दुनी 16 और 4 22 है, या फिर 8 तिया 24, 24 और 4 28 है, या फिर 8 चौक 32, 32 और 4 36 है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 8 का डिवाइड करो तो 4 शेषफल आ जाए, यानी कि संख्या है 8x प्लस 4, 8x प्लस 4, फोन किसका, अच्छा 8x प्लस 4, चलिए, यानी संख्या जो इस टाइप की संख्या है 8x प्लस 4, ठीक है जी। 8 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है, भाई इसमें 8 का भाग, बस आ रहा है समझ में, 8x में अगर 8 का भाग लगाओगे तो 8x पूरा कट जाएगा, कौन बचेगा, 4 ही तो शेषफल आएगा, क्लियर है, पक्का क्लियर है ना, 8x में अगर 8 का भाग लगाओगे तो 8x पूरा कट जाएगा, 8x की जगह कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो, जो भी उत्तर आएगा वो 8 से पूरा कट जाएगा, ये 4 शेषफल आ जाएगा, क्लियर हो रहा है सबको, बहुत खूबसूरत, संख्या होगी 8x प्लस 4। अब इस वाली कंडीशन पे आते हैं, कह रहा है अगर इसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता है, इसी वाली संख्या में, संख्या तो मैं दोनों पहली कंडीशन से निकाली है लेकिन शुड बी एप्लीकेबल ऑन द सेकंड केस ऑल्सो, इस संख्या को दूसरे वाले केस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तो मैं उसको करता हूं, कह रहा है अगर इसी वाली संख्या में 5 का भाग दें तो कितना शेषफल आता है, 3 शेषफल आता है, इसका मतलब ये संख्या जो है 5 के गुणनफल से 3 ज्यादा है, यानी अगर इस संख्या में से ये जो संख्या हमारी आई है
मैं इस तीन को घटा लूं तो संख्या पांच का मल्टीपल बन जाएगी, बताओ भाई। अगर ये संख्या कह रहा है, संख्या में पांच का भाग दे तो तीन आ रहा है, तो मैं उस संख्या में से तीन घटा लेता हूं पहले, तो फिर तो संख्या पांच से पूरी तरह कटेगी। बोलो बताओ, कह रहा है कोई संख्या पांच से भागने पर तीन शेषफल देती है, तो मैं क्या कह रहा हूं, शेषफल को घटा लेता हूं फिर तो पांच से कट जाएगी। यानी अगर इस संख्या में से मैं तीन घटा लेता हूं तो संख्या क्या हो जाएगी, पांच से पूरी तरह कट जाएगी, पांच का मल्टीपल बन जाएगी। तो संख्या कितनी, संख्या है आठ एक्स प्लस चार माइनस तीन बराबर पांच का मल्टीपल। संख्या मैंने ये रख लिया आठ एक्स, अब कितना हो गया, आठ एक्स प्लस चार में तीन गया तो एक बराबर पांच का मल्टीपल। समझ आ रहा होगा इतना तो सबको, अभी तो सीधा कैलकुलेशन है। तो x का ऐसा मान रखो जो पांच का मल्टीपल बन जाए, जीरो रखोगे तो नहीं बनेगा, एक रखोगे नहीं बनेगा, आठ एक आठ एक नौ नहीं बनेगा, दो रखोगे आठ दो सोलह नहीं बनेगा, आठ तीन चौबीस और एक पच्चीस, यानी x की जगह आप तीन रख दोगे तो पांच का मल्टीपल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, छोटी छोटी संख्या रखनी है, अगर x की जगह तीन रखोगे तो आठ तीन चौबीस और एक पच्चीस, फिर पांच का मल्टीपल बन जाएगा। बोलो क्लियर है, सही आ रहा है समझ, x का मान तीन आ गया समझ में। इसका मतलब जो संख्या होगी वो यहाँ पे x का मान आप तीन रखोगे तो आठ तीन चौबीस और चार सत्ताईस, इस तरीके से होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो x का मान, अभी हुआ नहीं है सवाल, ध्यान से देखते रहो, x का मान तीन रख दिया तो कितना, आठ तीन चौबीस और आठ तीन चौबीस और चार अट्ठाईस होगी। बोलो या सुनो, बोलो हाँ या ना भाई, x का मान तीन आ गया, आठ तीन चौबीस और चार अट्ठाईस। अगर इस वाली सवाल में ये वाली बात नहीं दे रखी होगी, क्योंकि संख्या तेरह से पूरी तरह कटती है तो हमारा उत्तर अट्ठाईस ही हो जाता है। अगर इतना ही सवाल होता तो इसका उत्तर यूपीएसआई में ही तक का सवाल आ सकता है, बस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं जोड़ेगा। यूपीएसआई में अगर आया है सवाल तो ही इतना ही कहेगा, आठ से दें तो चार आता है, पाँच से दें तो तीन आता है, क्योंकि इसमें वो एप्लीकेबल नहीं है के वाला तरीका, इस कारण से ऐसे करके आप भी अट्ठाईस उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है संख्या तेरह से पूरी तरह कटती है भाई, यानी इस संख्या को भी ऐसा और बनाना जो तेरह से भी कट जाए, अट्ठाईस तो तेरह से कटता नहीं है। तो आप क्या करो कि आप अट्ठाईस को तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, अट्ठाईस को तो आप ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो, अट्ठाईस तो हमारा काम करेगा, आठ से भाग दें तो चार से फल देगा, आठ से चौबीस चार बचा, पाँच से दें तो तीन देगा, पाँच पंजे पच्चीस तीन से फल देगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसी संख्या रख ली जो आठ से भी पूरी कट जाए और पाँच से भी पूरी कट जाए, ऐसी संख्या रख लो, फिर जब ये पूरी कट जाएगी तो यहाँ से फल जीरो बचेगा और इससे हमारे उत्तर आते रहेंगे। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है, आठ और पाँच का एलसीएम, आठ पंजे चालीस, यानी चालीस के प्लस अट्ठाईस, भाई चालीस के रख लिए। अब क्या है कि इसमें आप आठ का भाग दे लो, भाई ये तो आठ से कटता ही है, यहीं से उत्तर आना है, और पाँच का दे लो जब भी यहीं से उत्तर आना है, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। अब के की जगह ऐसा मान रखना जो तेरह से कट जाए, इसको पहले थोड़ा हल्का कर लो, चालीस में से उनतालीस की क्या खता थी, उनतालीस तो तेरह से कटता था, बचा कौन, एक के बचा और प्लस अट्ठाईस, ये चीज़ बच गई। यानी कि जो उनतालीस है उनतालीस को अलग कर लो भाई, तेरह तीन उनतालीस, तेरह से उनतालीस कटता है, बचा कौन, के बचा प्लस अट्ठाईस। अब के की जगह ऐसा मान रखो जो तेरह से कट जाए, के की जगह ऐसा मान रख लो, तो क्या रख लो के की जगह बताओ, ग्यारह रख लें भाई, ग्यारह और अट्ठाईस उनतालीस हो जाएंगे तो कट जाएगा, बाकी जीरो एक दो तीन चार रखोगे उसको रखने के देखो ही मत, क्योंकि तेरह दूनी छब्बीस, छब्बीस तो होने का नहीं, क्योंकि यहाँ अट्ठाईस मान चलो पच्चीस होता तो के की जगह एक रख लेते आप लोग, लेकिन आप उससे तेरह तीन उनतालीस होते हैं तो के की जगह ग्यारह रख लिया। चलो आप एक जीरो एक दो तीन चार से करके देख लेना, के की जगह ग्यारह रखोगे तो ग्यारह के की जगह ग्यारह, ग्यारह और अट्ठाईस कितना हो गया उनतालीस हो गया, तेरह से कट जाएगा, समझ गए। अब के की जगह ग्यारह आ गए, इसमें आप के का मान ग्यारह रख दीजिए, जो आ जाएगा वही उत्तर है, यानी कि 40 इंटू ग्यारह और प्लस 28 कितना आ जाएगा भाई, 440 प्लस 28 यानी कि 468 उत्तर आ जाएगा, और यही सही उत्तर है। बताइए बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 440 प्लस 28 468 उत्तर आ रहा है, ठीक है समझ में आता है सबको। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ऐसा सवाल एक और दे दूं, चलो मैं एक सवाल बोल देता हूं, आप इसको करके बता दीजिएगा अगले सेशन में, आप मुझे उसको बताइएगा। एक फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें आठ और तीन से भाग देने पर शेषफल क्रम से चार तथा एक बचते हैं किंतु यह संख्या सात से पूर्णतः विभाजित है। लिख लो अगर आप लोग कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें आठ और तीन से भाग देने पर शेषफल चार और एक बचते हैं, यानी आठ और तीन से जब आप भाग देते हो तो शेषफल चार और एक बचते हैं, आठ से भाग देते तो चार बचता है, तीन से भाग देते तो एक बचता है, किंतु यह संख्या सात से पूरी तरह विभाजित है। ऐसा सवाल आपको करके बताना पड़ेगा कि इसका कितना उत्तर आएगा। दोस्तों अभी मैं परीक्षागढ़ चैनल पर ठीक जैसे ही 9 बजेंगे तो करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में आ रहा हूं, तो आप वहां पर सीधा जुड़ जाइएगा, मैं करंट अफेयर्स लेकर के आपको थोड़ी देर में, जैसे 2 मिनट का ही टाइम अभी बाकी है, तो आप मैं आ रहा हूं आपके साथ में, वहां तुरंत हम वहां पर जुड़ते हैं, ठीक है जी, ओके नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।